मैं अमित और आप सभी का स्वागत करता हूं भाटी फिटनेस ज्ञानी में। हमेशा आपकी स्किन, आपकी हेल्थ और आपकी फिजिकल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें लेकर मैं अपनी वीडियो में आता रहता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे ही समर स्टार्ट होती है हम लोगों की टेंशन बढ़ जाती है और हम अपने स्किन को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट का यूज करते हैं, वो चाहे सनस्क्रीन हो या फिर बहुत सारी क्रीमें, जिनका यूज करने के बाद भी आपको उनका कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि जो यूवी रेज होती है उसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है और जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल डार्क हो जाती है, या हम ये कहेंगे कि कई कई डार्क स्पॉट पड़ जाते हैं और हमारी स्किन काली पड़ने लग जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन काली ना हो और आप चाहते हैं कि हमेशा जैसे हम विंटर में दिखाई देते हैं वैसे ही हम समर में दिखाई दे, हमारी स्किन हमेशा ग्लोइंग हो, तो इसके लिए आपको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आता कहाँ से है? बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी क्रीम जिनके अंदर हमने एडवर्टाइज में भी देखा होगा कि उसमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, मगर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर में ही रहकर आप इन सारे एंटीऑक्सीडेंट और लाइको जो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो लाइकोजोन जो है वो किसमें होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे आप करके अपने घर पे ही अपनी स्किन को सुंदर और अच्छी बना सकते हैं और आज जलती हुई धूप से भी आप बच सकते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो हम अपने फेस को कवर करके जाते हैं, मगर जहाँ जहाँ पर हमारा फेस कवर रहता है वहाँ तो हमारी स्किन बच जाती है, मगर जहाँ पर हम कवर नहीं कर सकते वहाँ पर हमारी स्किन डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, हमारे जो सेल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे किस तरीके से बच सकते हैं, सबसे पहली चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप टमाटो का ज्यादा सेवन करते हैं तो टमाटो के अंदर सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अब आप कहेंगे कि हम टमाटो तो डेली खाते हैं, मगर आप क्या करते हैं कुकिंग फॉर्म में उससे टमाटो को लेते हैं, जिसकी वजह से उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और उस न्यूट्रिशन के ही वजह से हमारी जो स्किन है वो उस तरीके से रिपेयर नहीं हो पाती है, हमारे सेल्स जो है वो रिपेयर नहीं हो पाते हैं। तो आपको क्या करना है, रो फॉर्म में लेना है, ज्यादा से ज्यादा कच्चा जो टमाटर होता है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है और ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीना है। जब भी आप देखें कि पूरे दिन के अंदर एक या दो टमाटर आपको खाने हैं, जब भी आप सैलेड लेते हैं उसके अंदर टमाटर का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। टमाटर जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्किन को और ज्यादा अच्छा रखना चाहते हैं तो टमाटो को आप स्किन पे भी लगा सकते हैं। 10 से 15 मिनट तक टमाटो को बनाना है, एक पेस्ट बनाना है, उस पेस्ट को अच्छे से आपको अपनी स्किन पे लगाना है। अपनी स्किन पे लगाने के बाद आपको 10 टू 12 मिनट उसे सूखने देना है। सूखने के बाद आपको ठंडे पानी से उसे धुल लेना है। आप देखेंगे कि 10 टू 12 डेज के अंदर आपकी स्किन पहले जैसी ग्लोइंग और पहले जैसे आप स्मार्ट दिखने लग जाएंगे, क्योंकि हर किसी की चाहत होती है अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है तो फिर लास्ट इंप्रेशन तो अपने आप अच्छा होगा ही। तो आज इस जो मैंने ट्रिक बताई है इसे यूज करें और आप चाहते हैं कि हमेशा की तरह सुंदर दिखना तो आज से ही अपनी डाइट पर ध्यान रखें। जब भी आप सैलेड का यूज करते हैं सैलेड में सबसे ज्यादा आपको यूज करना है टमाटो, क्योंकि टमाटो के अंदर सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। बहुत सारी मेडिसिन लेने के बाद हमें और बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, हम स्किन तो हमारी क्लियर हो जाती है मगर कई बार ऐसा होता है जो हम मेडिसिन लेते हैं उससे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और आपके घर में आसानी से अवेलेबल होगा। तो जाइए आज से ही टमाटर का सेवन करिए और टमाटो का जो सेवन करेंगे वो हमेशा सुंदर दिखाई देते रहेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।